तो गाइज आज मैंने मेरा नया शर्ट पहना, बाल एकदम अच्छी तरीके से सेट किए, सोचा एकदम अच्छा वाला 50K स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। लेकिन जैसे मैं सुबह उठा मेरा 50K गायब हो गया। तो मैं सुबह से ढूंढ रहा हूँ मेरा 50K गया का, यहाँ पे देखता हूँ अगर मुझे मिल जाए कहीं पे। गाइज मेरा 50K देखा है किसी ने देखा है मेरा 50K? नहीं देखा। ओह शिट यार, कहाँ गया मेरा 50K, मुझे मिल ही नहीं रहा। ओ माय गॉड, यू नीड टू चेक दिस आउट। तो गाइज मेरे को तो मेरा 50K मिल गया, जस्ट मेरे सामने इतना बड़ा सा मेरे को दिख रहा है। तो अभी आपको क्या करना है, कानों में ईयरफोन्स लगाना है और इस वीडियो को एंड तक देखना, और उसी के साथ साथ इस वीडियो को लाइक भी करना है, क्योंकि लाइक नहीं करोगे ना तो मुझे बहुत बुरा लगेगा भाई, दिल से बुरा लगेगा मुझे। प्लीज लाइक करो। एक मिनट, 50,000 सब्सक्राइबर स्पेशल वीडियो को शुरू करने से पहले ये स्टोरी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यस, माय अकाउंट हैज बीन हैक्ड बाय अ कंपनी। तो बेसिकली एक ब्रांड के साथ डील हो रहा था, बट वो एक फ्रॉड ब्रांड था। एंड द सेम थिंग दैट हैपेंड विद ज्ञानी 2.0, द सेम थिंग हैपेंड विद मी। और अभी दे आर टेलिंग मी फॉर पेमेंट एंड एवरीथिंग, आई विल मेक अ डील। ट्राई टॉकिंग टू यूट्यूब एज मच एज यू कैन, आई रियली नीड योर हेल्प एंड प्लीज आई नीड योर हेल्प वेरी बैडली। ये चैनल के साथ बहुत मेमोरीज है मेरी। जब तुम्हारे 1.5 साल की मेहनत रात के 2 बजे तुमसे कोई छीन ले, तुम्हें बस कहीं भाग जाने का मन करता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। रात में सो नहीं पाता और दिन में बस कहीं खोया सा रहता। एक तरफ जहाँ खुशी का मुखौटा लगाकर घूमा करता था, वहीं दूसरी तरफ दुख के सागर में बस डूब रहा था। लेकिन वो कहते हैं ना, वक्त बदलते वक्त नहीं लगता, और जल्द मेरा भी वक्त बदल गया। अमन भाई अभी 100K पक्का है, दिसंबर क्या दिवाली से पहले 100K पक्का है, देख लेना आप। सो हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम चो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस चैनल के ऊपर 50,000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस हो चुके हैं, और मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाहता हूँ, वो ये है कि जब कभी भी आप अपनी जिंदगी में कोई एक ऐसा माइलस्टोन अचीव कर लो जो आपको इम्पॉसिबल लग रहा था पहले, वो टाइम पर है ना, आपको आपके छोटे सक्सेसेस याद रहते हैं, ठीक है वो याद रहेंगे, लेकिन जो आपके दिमाग में चिपक के रह जाता है ना, वो होते हैं आपके फेलियर्स। क्योंकि जब मेरे 1,000 सब्सक्राइबर्स भी हुए थे, तो आई डिड नॉट रिमेंबर कि मेरे एक वीडियो में 100 सब्सक्राइबर्स वो टाइम पे बढ़ गए थे, बट आई रिमेंबर्ड कि जैसलमेर में जब मेरा फोन का मेमोरी फुल हो गया था, मेरे को उस व्लॉग को वहीं पे एंड करना पड़ा था। तो यही चीज़ है कि फेलियर जो होता है ना भाई, वो हमेशा आपके साथ ही रहेगा। तो फेलियर को कभी गाली मत दो, क्योंकि जैसा कि बहुत मान लोगों ने कहा है, दैट फेलियर इज द बेस्ट लेसन दैट यू विल एवर लर्न इन योर लाइफ। फिर जब 19 मार्च 2020 को मुझे अपना चैनल वापस से मिला, मुझे लगा अब तो लाइफ एकदम सॉर्टेड है, अब कोई टेंशन नहीं, अब अपन 100K ये साल फटाफट कर लेंगे। लेकिन तो जब आप एवरी अल्टरनेट डे इतनी ज़्यादा मेहनत करते हो, स्क्रिप्टिंग से लेके एडिटिंग से लेके वॉइस ओवर एवरीथिंग, एंड उसके बाद अगर आपके वीडियोस पे रिस्पांस नहीं आता है, ट्रस्ट मी यू ब्रेक फ्रॉम विद इन, एंड द सेम थिंग हैपेंड विद मी। सो आई स्टिल रिमेंबर ऑन 5th or 6th of May जब लॉकडाउन था, मैंने एक व्लॉग बनाया था और उसको फुल नाइट बैठ के मैंने एडिट किया, बहुत अच्छे से इफेक्ट्स वगैरह डाले, एंड नेक्स्ट डे जब मैंने उसको अपलोड किया, दैट वीडियो डिड नॉट गेट एनी रिस्पॉन्स, एंड दैट वॉज द वर्स्ट वीडियो ऑफ माई लाइफ, और उसको 2-3 दिनों के बाद मुझे डिलीट करना पड़ा। एंड दैट टाइम वो चीज़ मेरे को इतना ज़्यादा लग गई कि इसी रूम में बैठ के फुल डे मैं सिर्फ यही सोच रहा था, शुड आई कंटिन्यू यूट्यूब और शुड आई क्विट, यूट्यूब मेरे लिए शायद नहीं होगा, मैं क्यों इसमें अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। और ये ओवर थिंकिंग की वजह से मेरा दिमाग इतना ज़्यादा खराब हो गया दैट आई एक्चुअली थॉट अब चैनल ही डिलीट कर देते, खत्म करो, गायब हो जाओ सोशल मीडिया से। लेकिन
वो कहते हैं ना, अगर जनता तुम्हारे साथ है ना तो तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता है. द सेम थिंग हैपेंड विद मी. आई स्टार्टेड गेटिंग अ लॉट ऑफ फैन मेल्स, आई स्टार्टेड गेटिंग अ लॉट ऑफ फैन आर्ट्स. लोगों ने मुझे अप्रिशिएट करना शुरू किया एंड स्लोली एंड स्टेडिली मेरा ग्रोथ वापस से टेक ओवर कर रहा था. एंड व्हेन आई रीच्ड ऑन 47,800 सब्सक्राइबर के आसपास, वो टाइम पे मुझे ना ये खुशी नहीं हो रही थी कि 50,000 में टच होने वाला हूँ, बट मुझे ना एक वो टेंशन था कि 50,000 टच तो हो जाएगा लेकिन मेरे व्यूज़ क्यों नहीं बढ़ रहे, लोग मुझे क्यों नहीं देख रहे इतना. एंड उसके बाद मेरा ये वाला वीडियो मैंने डाला जहाँ पे मैं बैठ के सिर्फ स्टोरी टेलिंग कर रहा हूँ और लोगों को अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ. दैट वीडियो वेंट वायरल और अभी ऑलमोस्ट 71,000 व्यूज़ है उसके ऊपर. एंड तभी भगवान ने बोल दिया कि लड़के अब तेरा टाइम है, अब तू स्टोरी टेलिंग कर जिंदगी भर, लोग तुझे देखेंगे. एंड दैट वॉज द टाइम व्हेन आई थॉट कि अमन अगर तूने अभी गिव अप कर दिया ना तो लालत है तुझ पर, तो अभी तो भाई अपन गिव अप करने ही नहीं वाले चाहे कुछ भी हो जाए अभी आगे लाइफ में. आई एम नॉट गोइंग टू गिव अप ऑन दिस चैनल. आज 50,000 का माइलस्टोन क्रॉस किया है, आगे जितने माइलस्टोन है सारे क्रॉस करूंगा. क्योंकि एक मिडिल क्लास का लड़का 19 साल का मुंबई में रहने वाला, ना ही कोई मोटर व्लॉग, ना ही कोई एक्सपेंसिव ट्रिप, ना ही कोई एक्सपेंसिव सेटअप, सिर्फ अपनी व्लॉगिंग, सिर्फ अपनी स्टोरी टेलिंग, सिर्फ अपनी एडिटिंग के ऊपर आज 50,000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर चुका है, जो एक साल पहले इम्पॉसिबल लगता था मुझे, आज मैंने उसको कर दिखाया है. तो आगे जितने भी मेरे को टारगेट्स आज इम्पॉसिबल लग रहे हैं, एक साल बाद मैं पक्का वाला उसको अचीव करूंगा और इस क्लिप को मैं उस वीडियो में डालूंगा. मेरी एक आदत है कि जब कभी भी मैं कोई माइलस्टोन क्रॉस करता हूं यूट्यूब के ऊपर, आई लव इट सेलिब्रेटिंग विद यू गाइस. मेरी जो चुंबक आर्मी 50,000 वाली, उनके साथ सेलिब्रेट करने का मजा ही अलग होता है. तो मेरे को बहुत बार लोग पूछते हैं तुमने यूट्यूब से क्या कमाया है. पैसे तो थोड़े बहुत कमाए हैं लेकिन उससे भी बड़ा है ना मैंने ये कमाया है. देखो भाई, द थिंग व्हिच आई लव अबाउट योर चैनल इज योर पर्सनालिटी. और ऐसे ग्रो करते रहो, बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा दिल से कि 50k हो गए, कीप हसलिंग 100k भी हो. हेलो अमन, फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस फॉर योर 50k ब्रो. जब चैनल हैक हुआ था तो बहुत दिल से बुरा लग रहा था, पर अब चैनल ऊपर आ रहा है तो फटाफट से 100 की करो और एक दिन फैन फेस्ट जरूर जाना है. तो टाटा. ए अमन, तो मुझे आपका चैनल पता चला था एक व्लॉग, मतलब ट्राइपॉड के व्लॉग के ऊपर से, एंड आई लाइक योर चैनल बिकॉज ऑफ योर स्टोरी टेलिंग. अमन फॉर क्रॉसिंग 50,000 on YouTube and lots of love, lots of happiness, love from Delhi, love you, bye bye. दोस्तों, फुटप्रिंट्स के चैनल पे 50,000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं और अमन भाई को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन. और भाई, आप सिर्फ एक क्रिएटर नहीं हो, आप एक इंस्पिरेशन हो उन सभी ब्लॉगर्स के लिए जो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और आप बहुत ही आगे जाओगे. कीप हसलिंग मैन एंड बेस्ट ऑफ लक. अमन, कांग्रेट्स ऑन 50k सब्स ऑन यूट्यूब. यू आर डूइंग गुड, डू वॉट एवर यू आर डूइंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर. लव फ्रॉम हैदराबाद. की बात क्या ही करूँ, मतलब अगर कोई मुझे आके पूछता है कि डिजिटल क्रिएटर कैसा होना चाहिए तो वो अमन भाई जैसा होना चाहिए, क्योंकि क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए वो बस अमन भाई ने सिखाया है. एंड कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर 50k, यू डिजर्व दिस मैन. अमन भाई, द वे यू मेक योर वीडियोज, द वे यू एडिट दिस, एंड द मेन थिंग आपकी पर्सनैलिटी, एंड ये तीन जब एक साथ में आता है ना वीडियो को देखने का, ऐसा दिल से मन करता है. योर कंटेंट इज एकदम टॉप लेवल, आपकी लैंग्वेज में बोले तो एकदम चुंबक. अमन भाई, तो हम आपको बताना चाहते हैं कि हम लोग आपका ब्लॉग देखते थे, क्योंकि आपका ब्लॉग में जो स्टोरी टेलिंग है ना, माशाल्लाह क्या है, मैं तो पागल हो जाता हूँ. ऐसा कोई कर सकता, कैसे कर सकता है ऐसा. होप आप बहुत जल्दी 100k सब्सक्राइबर, 500k सब्सक्राइबर पार करो, रीच करो. You travel with your style. You are confident and you are like us. That's why we love watching you. Yash OP in the comments. 50k special. क्या बात है यार, क्या केक था यार, मजा आ गया. तो कहानी ये है कि अपना हसल चालू था, है और रहेगा. एंड द नेक्स्ट स्टेशन इज 100k सब्सक्राइबर्स ऑन फुटप्रिंट्स.